देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तर पुस्तिकाओं में होने वाली मानवीय त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज में टीजीटी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी टीजीटी अभ्यर्थियों का कहना था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम को अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि उत्तर पुस्तिकाओं में होने वाली मामूली मानवीय त्रुटियों को सुधार करने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का आरोप था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मामूली मानवीय त्रुटियों को आधार बनाकर टीजीटी परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित नहीं किया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। तो उस पे आपको आगे क्या था? 2021 में टीजीटी का हमने एग्जाम दिया है, हमारे रोल नंबर में एक छोटे से मानवीय त्रुटि, वो भी वो होता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि क्लास में इतनी सारी एक्टिविटी होती हैं, टीचर के बोलने से थोड़ा सा ध्यान इधर भटका, वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो उससे रोल नंबर गलत हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी कॉपी चेक नहीं की है। ये गलती आज हमारे साथ हुई है, आगे जो बच्चे बैठेंगे कल उनके साथ भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीचर बनने लायक नहीं है। यहाँ हमें रोल नंबर फिल नहीं करना आता है, अगर हमें रोल नंबर फिल करना नहीं आता तो मेरे टेट के कई एग्ज़ाम क्लियर है, कम से कम 7-8 एग्ज़ाम क्लियर है, और मैं खुद बरेली कॉलेज में टीचिंग ये इस तरह के एग्ज़ाम कराती हूँ, लेकिन वहाँ पे हो गई गलती। चैट बोर्ड कितनी गलतियाँ करता है, आंसर कभी पेपर में मिस्टेक, कभी आंसर की मतलब रिवाइज आंसर की रिजल्ट बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये गलती वो कर सकते हैं बट हम नहीं, हमारी गलती माफ़ नहीं है। और जैसे ही अगर हम फॉर्म भी फिल करते हैं तो संशोधन के मौका हम लोगों को नहीं दिया जाता है, हम दोबारा फीस भरें, लेकिन अगर चयन बोर्ड गलती करता है, विज्ञप्ति जारी करता है, वो संशोधन कर देता है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? मानवीय त्रुटि अगर ओमार सीट पर हो रही है तो सब बराबर हो, बुकलेट वाली गलती मानवीय त्रुटि है, लेकिन अगर रोल नंबर में गलती हो रही है तो वो मानवीय त्रुटि नहीं है, ऐसा क्यों? संविधान में हमारे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि बराबर का न्याय हो, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सरकार या न्यायालय है वो भी हमारे साथ न्याय करें, क्योंकि अन्याय हो रहा है। एक गोला ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि हम टीचर बनने लायक नहीं है। जो हमने 125 गोले फिल किए हैं, कट ऑफ से ज़्यादा हम नंबर लेके आए हैं, वो गोले हमारे कोई मान्य नहीं है, 4 साल की मेहनत हमारी मान्य नहीं है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उसका क्या कहते हैं ऑर्डर जो दिया है, कंसीडर ऑर्डर, उसके जरिए भी हमारी कॉपी कोई अमल नहीं किया गया, कोई भी मतलब ये नहीं है कि जानकारी हमें दें कि आगे हम क्या प्रोसीजर करें। हाँ, अभिनीता शाह के बरेली से। तो किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करें? देखिए सर, मांग हमारी केवल न्याय की है। हम सब 2021 टीजीटी के परीक्षार्थी हैं और सफल परीक्षार्थी हैं, परंतु की से मैच करने के बाद हमें ये ज्ञात है कि हम लोग सफल हैं, परंतु आज तक बोर्ड ने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। किन कारणों से नहीं डिक्लेयर किया ये हमें अभी तक नहीं पता। हम अपने हिसाब से ये बता पा रहे हैं कि हाँ, रोल नंबर में एक गोले में गलती हो गई, हमने सही रोल नंबर भी लिखा है, ऊपर सही रोल नंबर लिखा है, पुस्तिका में बार कोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये वेरीफाई किया जा सकता है अगर चयन बोर्ड चाहे तो, लेकिन वो तानाशाही पे उतारू है, वो रिजल्ट डिक्लेयर करने को राजी नहीं है। हम इस मांग को लेकर माननीय हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में मतलब फैसला दिया, फिर भी चयन बोर्ड हमारी मतलब कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, और यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है और हमें मतलब हमें न्याय नहीं मिलता है तो इसके मतलब इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, जहां जाना पड़ेगा जाएंगे, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हालांकि पहले भी हम मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन दे चुके हैं, और उसके बाद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमें जीने का हमें लगता है हमें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मेरा नाम अमर सिंह है और 2021 में इंग्लिश का परीक्षार्थी हूँ। ये हमारे साथ हाई कोर्ट का ऑर्डर है,
और साथ ही साथ ये हमारे प्रतिवेदन हैं जो हमने अलग अलग जगह पर आयोग को, उप मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है, परंतु अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई।